हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शुभम सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि क्या आप जब भी नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हो, ठीक है, तो पार्टनर आता तो है लेकिन फिर चला जाता है। आप समझ रहे हो, मतलब आता है फिर चला जाता है, तो इसके वजह से लोग क्या करते हैं, बार बार नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, मजबूरन अब करना ही होता है। ठीक है, तो जितनी बार नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं उतनी बार पार्टनर आ रहा है। ठीक है, कुछ दिन सही चला फिर नौटंकी स्टार्ट। तो समझ में ये नहीं आता है कि वो जो मतलब रिलेशनशिप चौपट चल रहा है, ठीक है, वो कब एक पार्टिकुलर एक टाइम आएगा जब परमानेंट सब सही हो जाएगा। मेहनत करके मतलब नो कॉन्टैक्ट में तो सच में यार देखो मतलब पेशेंस रखना होता है। ठीक है, मन बहुत करता है लोगों का बात करूं, लेकिन जो तुम लोग कंट्रोल करते हो तो ये मेहनत ही है। ठीक है, एक डेढ़ महीना पूरा मेहनत करते हो, कुछ छः महीने भी नो कॉन्टैक्ट फॉलो करते हैं, ठीक है, पूरा मेहनत ही है, तब पार्टनर एक दिन झुका। ठीक है, कुछ दिन सही चला फिर नौटंकी स्टार्ट, मतलब फिर आपको वैसा ही इग्नोर कर रहा है, आपको कुछ रेस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, कुछ आपको समझ ही नहीं रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट करूँगा ये वीडियो पूरा देखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट मतलब ये नहीं होता है साला कि हाँ एक बार नो कॉन्टैक्ट फॉलो करेंगे ठीक हो जाएगा। इसलिए बहुत लोग मुझे ये पूछ चुके हैं, ठीक है, कि यार एक बार नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने का या बार बार। तो भाई चौपट हो रहा है तो बार बार तो करना ही होगा ना। ठीक है, फिर भी मैं इलाज बताता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलूँगा कि अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, ठीक है, तो आप कर सकते हो, कुछ भी अगर पूछना है आप पूछ सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक होगा, शुभम सर ऑस्कर के नाम से, या ऑस्कर लव गुरु भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, अब चलो आते हैं टॉपिक पे। भाई देखो, बार बार नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, आ रहा है जा रहा है, साफ पता चल रहा है कि ढंग से आप अपने पार्टनर को बांध ही नहीं पाए हो। होता क्या है ना, मैं बता रहा हूँ, इग्नोर कर रहा है आपका पार्टनर, एटीट्यूड दिखा रहा है, मतलब ईगो दिखा रहा है। ठीक है, पूरा गिर गिरा चुके थे, ठीक है, लेकिन अचानक रियलाइज होता है कि नहीं अब नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करता हूँ, वीडियो वीडियो देख के मोटिवेट हो गए। ठीक है, अब नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, एक महीने डेढ़ महीना जितना भी 15 दिन, डिपेंड करता है कि आप लोग के बीच में क्या वो इंटेंसिटी है। ठीक है, उस हिसाब से ड्यूरेशन ऑफ नो कॉन्टैक्ट डिपेंड करता है। ठीक है, मेहनत की है पूरा नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने में, अब वो पार्टनर एक दिन आया। ठीक है, वो क्यों आता है, क्योंकि उसके मन में धीरे धीरे खोने का डर पैदा होने लगता है, उसको लगता है कि यार ये अचानक क्यों गैप मार दिया ये। ठीक है, अब वो हाल चाल पूछने आता है कि देखता हूँ या देखती हूँ ये चुतिया जिंदा है या नहीं। ठीक है, मान लो डेढ़ महीने आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किए, उसका दिमाग मतलब ख़राब हुआ, उसका फटा। ठीक है, एक दिन वो बहुत दिन के बाद या कुछ ही दिन के बाद रिप्लाई मैसेज करेगा हाय, या मिस कॉल मार के छोड़ देगा, या प्रॉपर वो कॉल करेगा। ठीक है, अब आप रेस्पॉन्स दोगे, ठीक है, या थोड़ा आप भी लेट रेस्पॉन्स दोगे ताकि थोड़ा वैल्यू बना रहे। ठीक है, मान लो जैसे भी रेस्पॉन्स दिए दे दिए, ठीक है, उसके बाद एक तालमेल फिर से बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद वापस आप लोग का एक ट्रैक पे आया रिलेशनशिप जो चौपट चल रहा था। ठीक है, उस वक्त फिर साला नौटंकी स्टार्ट। ठीक है, फिर वो देख लिया कि हाँ ये तो कुछ नहीं, वैसे ही मतलब 2 महीने का गैप मारा, फिर भी यार मेरे से खुलकर बात कर रहा है, यानी कि ये 2 महीने तक ये मेरे बारे में ही सोच रहा था। ठीक है, ये भले गैप मारा, मुझे लग रहा था कि ये मुझे भूल चुका है, लेकिन ये तो यार पूरा डेस्परेट है, क्योंकि बहुत लोग गलती कर देते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के बाद जब पार्टनर आ जाता है उस समय गड़बड़ कर देते हैं। जब मंजिल नज़दीक आने लगती है ना, तभी पांव डगमग होते हैं, ये चीज़ जान लो। ठीक है, तो मेहनत करके नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो की है, लेकिन जब रेस्पॉन्स आ जाता है तो उस रेस्पॉन्स को आप टैकल नहीं कर पाते हो, उसमें चाहिए ये। भाई आप 2 महीने तक किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप नो कॉन्टैक्ट रूल में हो, ठीक है, रेस्पॉन्स आया आपकी गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का हाय, तो आप तुरंत रिप्लाई दे दोगे क्या? नहीं, आप उसमें टैकल नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि अधिकतर वीडियो YouTube में ये है कि नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कैसे करें, लेकिन ये है ही नहीं कि नो कॉन्टैक्ट रूल के बाद जब पार्टनर का रेस्पॉन्स आए तो उस समय टैकल कैसे करें। इक्का दुक्का मिल जाएगा वीडियो, मैं तो कम ही वीडियोज़ बनाता हूँ लेकिन बनाऊँगा। ठीक है, तो टैकल नहीं कर पाते हैं। तो बहुत लोग का क्या होता है ना, पहला दूसरा नो कॉन्टैक्ट रूल कामयाब होने के बाद आप पार्टनर को टैकल नहीं कर पाते ना, तो पार्टनर आपका मन जान लेता है।
ठीक है, कि अरे यार ये तो साला 2 महीने भी गैप मारता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा भाव क्या दे देती हूँ या दे देता हूँ, ये वापस खुल खुल के बात करता है, ठीक है। इसलिए आप लोग का कभी वो परमानेंट टाइम आ ही नहीं पा रहा है। हालांकि देखो परमानेंट कभी आएगा नहीं, 100% तो परमानेंट कभी आएगा नहीं, ठीक है। मतलब क्या बोलूँ, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या वाइफ हस्बैंड में यार देखो मन मुटाव तो चलेगा, ये रिलेशनशिप का पार्ट है, ये प्यार मोहब्बत में चलता है, ठीक है। लेकिन 100% परमानेंट ना हो, लेकिन 80% तो परमानेंट चले, ठीक है। ये नहीं कि एकदम मन मुटाव, एकदम कहा सुनी हो गया, गाली गलौज एक दूसरे को दे दिए, उस टाइप का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सुनो, गड़बड़ कहाँ करते हो ना, नो कॉन्टैक्ट रूल जब कामयाब होता है, ठीक है, जब उसका रेस्पॉन्स आता है, उस समय आप टैकल नहीं कर पाते हो, उस समय भी आपको एटीट्यूड मेंटेन रखना होगा, लेट रिप्लाई देना होगा, ठीक है, कॉल भी एक बार में नहीं उठाना है, ठीक है, दो बार कम से कम रिंग हो जाने दो, ठीक है, या कभी आप फिर कॉल बैक कर लेना, हाँ बोलो कॉल की थी क्या, अच्छा क्या बोलना था यार, अच्छा अच्छा यार मैं तो ज़्यादा गुस्साना भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसे मीठा पॉइजन बनो, स्वीट मतलब मीठा जहर, स्वीट पॉइजन, अच्छा अच्छा चलो यार मैं तो बिजी हूँ, बाद में बात करना, हाँ रात को करते हैं, ठीक है, चलो बाय, हो गया। नो कॉन्टैक्ट भी फॉलो किए, कामयाब भी हुआ, रेस्पॉन्स भी आया, तुम टैकल भी अच्छा से किए, आप समझ रहे हो ना। बात क्या है ना, पूरी तरीके से आप बांध नहीं पाते हो पार्टनर को, ठीक है, मतलब कमजोरी तो वो जान चुका है, ठीक है। एक दो नो कॉन्टैक्ट रूल मतलब कि आप लोग का सक्सेस होता है, ठीक है, तो वापस उसी तरह डेस्परेट हो जाते हो, तो कमजोरी भांप लेता है, ठीक है। तो तीसरा चौथा बार नो कॉन्टैक्ट फॉलो करते हो ना, असर ही नहीं होता है भाई, उसका माइंड सैचुरेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बकचोदी आप करते हो, ठीक है। अब बात आती है कि ठीक कैसे करें, सुनो, एक फाइनल नो कॉन्टैक्ट रूल का माइंडसेट तैयार करो और अपने माइंड में बैठा दो, ठीक है। ठीक है 10-12 बार नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किए होगे, मतलब आया पार्टनर फिर बकचोदी स्टार्ट है, लेकिन ये वीडियो देख रहे हो ना, ठीक है, इसके बाद एक बार स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ फिर से नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, चाहे कितना भी दिन लग जाए, ठीक है। अब प्यार करेगा तो आएगा, नहीं करेगा तो 5 साल भी नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते रहो, क्योंकि ये तो कंडीशन है नो कॉन्टैक्ट रूल का। मेरा बाकी सब नो कॉन्टैक्ट रूल का वीडियो देख लेना जो मैंने बनाया, 4 बना चुका हूँ, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं हर चीज़ में नो कॉन्टैक्ट करने से आ जाएगा, इस तरह क्या बॉलीवुड की एक्ट्रेस आ जाएगी क्या, मैं नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करूँगा, नहीं ना, क्योंकि वो अटैचमेंट ही नहीं है, जानते ही नहीं है, ठीक है, अफेक्शन ही नहीं जुड़ा है, ठीक है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल कामयाब होने का भी कंडीशन है। अब सुनो, मान लो कि नो कॉन्टैक्ट रूल मैंने फॉलो किया, ठीक है, पार्टनर आया, ठीक है, मेरे को क्या करना है, एटीट्यूड मेंटेन रखना है, आप समझ रहे हो ना, मतलब एटीट्यूड मेंटेन रखना है, ठीक है। एकदम स्ट्रांग माइंडसेट के साथ मुझे रिप्लाई नहीं देना है, देना भी है तो एकदम कट कट के बात करना है, जितना पूछे उतना बात करना है। पहले वो पूछती थी या पूछता था खाना खाए, तो तुम रिप्लाई देते थे हाँ खाया, तुमने खाया, लेकिन इस बार रिप्लाई देना है हाँ खाया, ये नहीं पूछना है तुमने खाया, आप समझ रहे हो ना। एक खतरनाक नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो जिसमें तुम एकदम पत्थर दिल मतलब लगो उसको, ठीक है, तब जाके उसका दिमाग में ना झटका लगेगा, उसको खोने का डर पैदा होगा। हैं कुछ सब्सक्राइबर, ठीक है, जो जिनसे मेरी बात होती है, ठीक है, उसका मतलब एक लड़की है, उसका बॉयफ्रेंड ना पूरा कमजोरी पकड़ चुका है इस लड़की का, ठीक है, उसको पता है कि मेरे बारे में दिन भर सोचते रहती है, मेरे लिए स्टोरी लगाएगी, स्टेटस लगाएगी, सैड स्टेटस ये वो दिस डैट, ठीक है। और उसको ये भी पता चल गया कि मैं 6 महीने भी बात नहीं करूँगा, नहीं लड़की 6 महीने तक मेरे बारे में सोचेगी, ठीक है। तो बीच बीच में क्या होता है ना, एक नहीं होता है जैसे कुत्तों को रोटी कैसे फेंक देते हैं तो खाते हैं, ठीक है, उसी तरह ना एक टुकड़ा फेंक देता है कभी कभी, हाय, ठीक है, हाय, अब लड़की खुश, मतलब ये भी नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो, मैं उसको बोलता हूँ नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, तो नो कॉन्टैक्ट रूल तो सही फॉलो करती है, लेकिन वो जो रेस्पॉन्स आता है टैकल नहीं कर पाती है, तो बॉयफ्रेंड उसका कमजोरी बहुत पहले से भांप चुका है, कम से कम 9-10 बार नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर चुकी है, ठीक है। अब मैं इसको समझाता हूँ कि एकदम स्ट्रांग नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, लेकिन ये इससे हो ही नहीं पा रहा है,
इसको क्या लगता है, मैं अगर मैं एकदम इग्नोर करने लगूंगा, करने लगूंगी स्ट्रांग नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने लगूंगी, तो हो सकता है दूसरे के साथ चले जाए, पार्टनर भाग जाएगा। अरे भाई, जब आपका पार्टनर दूसरे के साथ भागने वाला नियत रखता ही है तो वैसे पार्टनर चाहिए, वैसा पार्टनर साला चाहिए ही नहीं भाई। सीधा लॉजिक है, भागने वाला भाग जाएगा दूसरे के साथ, चाहे प्यार करो चाहे ना करो, ठीक है। जिसका नियत आपके साथ रहने का होता है ना लाइफ भर के लिए, वो रहेगा, बांध के थोड़ी रखने का यार, ठीक है। तो अभी क्या है, एज कम है, जो वो लड़की है उसका एज कम है, तो मैच्योरिटी है नहीं, 17-18 की है, मैच्योरिटी है नहीं, ठीक है। तो वो संभाल नहीं पा रही है, उसको लग उसको क्योंकि अब यही कोई 24-25 साल की कोई रहती लड़की, ठीक है, जिसको 3-4 लड़कों का एक्सपीरियंस रहता है या बहुत बार वो झेली है चीज़ों को, तो वो 6 महीने भी नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर लेती है एकदम स्ट्रांग माइंड सेट के साथ। तो मैच्योरिटी भी होना जरूरी है, ठीक है, मैच्योर होना जरूरी है भाई, तो उसमें है नहीं। आप कितना भी मोटिवेट कर दो, ठीक है, मोटिवेशन लेकर भी उसको कैरी ऑन करने के लिए एक मैच्योरिटी चाहिए, वो है ही नहीं, ठीक है। तो मैं भी अब कितना बात करूँगा, इसलिए अब फ्री में यार क्या आदमी बात कर लेगा बताओ। मैं भी ऐसा थोड़े कोई बेरोजगार इंसान थोड़े, ये तो मेरा साइड का टाइम पास है ना, ठीक है, मेरा तो मेन काम दूसरा है ना भाई, ठीक है। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि ये YouTube में वीडियो बना रहा है तो इसका फुल टाइम यही काम है, भाई ये सब साइड इंटरेस्ट है भाई, ठीक है। इसलिए मैं पेड कॉल लेता हूँ, ठीक है, कॉल बुकिंग इसलिए लेता हूँ, पैसे दो मैं अच्छे से टिप्स दूंगा, ख़त्म कहानी, ठीक है। मेरा खुद का ठिकाना नहीं है, मैं दूसरे का क्या ठिकाना करूँ फ्री फोकट में, चीज़ को समझो। आप किसी को ऐसे टाइम दोगे नहीं ना, इनर्जी लगता है भाई। अगर बहुत लोग चाहते हैं इसी तरह बात करें भाई, इनर्जी लगता है। लोग बोलते हैं सर सिर्फ 5 मिनट बात करूँगा, भाई 5 मिनट बात करने लगो ना कब 50 मिनट हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। 5 मिनट कैसे बात होगा, पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, बोलो कैसे। आप स्टोरी ही सुनाओगे ना तो वही 20 मिनट चला जाएगा, 5 मिनट में कैसे होगा, हेलो हेलो सर वो आप बात ही नहीं कर रही है, तो ऑब्वियस ही बात है मैं पूछूंगा ना कि बात क्यों नहीं कर रही है, फिर आप रीज़न बताओगे। अब उस रीज़न का बैक स्टोरी जानना चाहूँगा, ठीक है, कितने साल का रिलेशनशिप था, कहाँ मिले, क्या पहले ही मनमुटा हो चुका था। अब इसी में चला जाता है 50 मिनट, इसलिए पेड कॉल सर्विस रखा हूँ, आप समझ रहे हो ना। इस तरह तो मैं पागल हो जाऊँगा भाई सबसे अगर मैं इसी तरह बात करूँगा, ठीक है। तो आपको सही टिप्स से मतलब है ना, इंस्टा पे मैसेज करो, ठीक है, जो भी स्टूडेंट होते हैं जो पैसे नहीं दे पाते हैं, ठीक है, आप इंस्टा में मैसेज करो, उसमें भी छोटा छोटा मैं रिप्लाई दे दूंगा। लेकिन अच्छे से अगर पोस्टमार्टम करना है रिलेशनशिप को, कॉल बुक कीजिए, ठीक है। तब आते हैं मुद्दे पे भाई, एक खतरनाक स्ट्रांग माइंडसेट के साथ नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, कितना भी खुजली मचे कि नहीं मुझे बात करना है, उसकी याद आ रही है, ये वो, नहीं भाई कंट्रोल करो, उसके मन में खोने का डर है ही नहीं आपको लेके, ठीक है। बीच में इसी तरह हालचाल पूछ लेता है, देखता है कि हाँ ये तो पागल है मेरे लिए, फिर वो गैप मार देता है, ठीक है। कब तक चलेगा, 3 साल तक क्या इसी तरह नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर करके फिर आएगा फिर जाएगा, और कोई काम धंधा नहीं है यार, कितना इतना थक ही जाओगे ना यार, ठीक है। तो एक नो कॉन्टैक्ट रूल एकदम पत्थर दिल बनकर फॉलो करो, ठीक है। और ये मत सोचो भाग जाएगा, अरे भागने वाला ऐसे ही भाग जाएगा, वो प्यार करेगा तो भाई उसकी फटेगी, समझ रहे हो। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर लेते हैं, इतना वीडियो देखे हो तुम लोग कर ही लेते हो, लेकिन नो कॉन्टैक्ट रूल जब सक्सेस होता है, पार्टनर जब आता है उस दौरान, वो इंस्टेंटेनियस टाइम के दौरान आप लोग टैकल नहीं कर पाते हो, आप लोग मतलब संभाल नहीं पाते हो, ठीक है। और पहला दूसरा नो कॉन्टैक्ट रूल चौपट करते हो तो आपका कमजोरी पता चल जाता है पार्टनर को, तो तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा आठवा नौवा दसवा कोई काम नहीं करता है, कमजोरी एक बार उसके हाथ में आ चुकी है तो कोई काम नहीं। इसलिए एक फाइनल नो कॉन्टैक्ट रूल एकदम, उसको यकीन ना हो कि ये इंसान एकदम बदल कैसे गया है, एकदम फाइनल नो कॉन्टैक्ट रूल खतरनाक पत्थर दिल बनकर फॉलो करो, ठीक है, उसका सब ठीक होगा। तो सब ठीक होगा, ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है, बाकी इंस्टा पे फॉलो करो, ठीक है, टेक केयर, गुड बाय।